अंकित गुप्ता ने बाहर आते ही मंडली की लगाई है क्लास और बोला है कि ये सब लोग एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साजिद और साजिद की मंडली को ऐसा लगता है कि ये लोग एक दूसरे के बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स जो है बन चुके हैं। ये दोस्ती के लिए एक दूसरे के साथ हैं, पर सच में ये लोग दोस्ती के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ एक जुट इसीलिए बना के बैठी है, एक मंडली इसीलिए बना के बैठी है कि इनको आगे सपोर्ट मिले और इनकी वोट जो है ज्यादा से ज्यादा बने, इसीलिए ये एक मंडली बना के बैठी है। और ये चीज जनता को भी बाहर पता है। वैसे जो है जैसे अंकित गुप्ता बाहर आए तब उनसे इसके बारे में, उनकी अविक्षण के बारे में, मंडली के बारे में, प्रियंका के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में पूछा गया, जहां पर उन्होंने ये जवाब दिया कि ये लोग एक मंडली बना के बैठी हैं और मैं और प्रियंका एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, तो ये लोग इस चीज से डरते थे कि ये दोनों साथ में रहते हैं तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, इसीलिए इन लोगों ने मंडली बना के जो है ये अविक्षण करवाई है। और इन लोगों को दोस्ती समझ में नहीं आती है, जो सच्ची दोस्ती थी उसको ये लोग फेक बोलते थे और खुद जो दोस्ती बना के बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए बना के बैठे हैं। अंकित गुप्ता ने बहुत ही साफ स्पष्ट शब्दों में जो है इसका बात बोली है और मुझे बहुत सही लगी है, और यही बात बाहर बैठी हुई जनता भी मानती है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी ये सब चीजें देखती रहती हूँ। क्या आपका भी यही विचार है? क्या सहमत है आप अंकित गुप्ता से? बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।